नमस्कार दोस्तों, मैं विलास तुलकोड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। खबर महाराष्ट्र के नागपुर से। दलितों और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को ठाकरे सरकार का समर्थन। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को भी खारिज कर दिया और पीड़ितों को न्याय से वंचित कर दिया। धर्मपाल मेश्राम की ठाकरे सरकार की आलोचना। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं अधर में लटकी हुई है, क्योंकि ठाकरे सरकार ने संविधान के अनुसार आयोग की नियुक्ति में 1.5 साल से अधिक की देरी की। हजारों की संख्या में सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि कई जनहित योजनाओं को अवरुद्ध करने वाली सरकार ने भी इस आयोग को अवरुद्ध कर दिया। भाजपा के राज्य सचिव अध धर्मपाल मेश्राम ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि ठाकरे सरकार ने कागज पर आयोग बनाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ धोखा किया, क्योंकि पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मुद्दों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। ठाकरे सरकार के 2 साल के फर्जीवाड़े कांड से सबसे ज्यादा नुकसान अनुसूचित जाति पर हुआ। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज की उपेक्षा के बारे में पढ़ा। उन्होंने कहा कि जाति अत्याचार के पीड़ितों की देखभाल करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए जिम्मेदार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति जमराती के लिए कोई अभिभावक नहीं, क्योंकि न्याय प्रणाली उस समाज के साथ अन्यायपूर्ण है जिसे भूमि हत्याने नौकरियों में वरिष्ठता का उत्पीड़न आदि के माध्यम से परेशान किया जा रहा। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए नागपुर से दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। हवाई दौरा केला, परंतु कोणत्याही रस्ते मार्गाने कोणत्याही शेतकऱ्याच्या गावापर्यंत देखील पोहोचू शकले नाही। अशा पद्धतीचं मुख्यमंत्री बीमार आहेत, त्यांची प्रकृती बरोबर नाही, त्यांना मी शुभकामना देतो आपण वेगळा, परंतु सरकार माझ्या दृष्टीने अत्यंत बीमार पडलेलं आहे आणि सरकार देखील आता सरकारला ऑक्सिजन देण्याची गरज आलेली आहे।